हमने अपने इस वीडियो में बताया है कि हम किस तरह शक की बुनियाद पर या गलतफहमियों की वजह से अपने कीमती रिश्ते खो देते हैं जिनको हम कभी भी खोना नहीं चाहते। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास और फैमिली के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इन गलतफहमियों से बच सकें और अपने रिश्ते कायम रख सकें। शुक्रिया। घर के काम करती रही, वो नौकर तो नहीं है, उसको हम इसलिए तो नहीं लेकर आए थे, वो सारा दिन पड़ी रहे।
जी, जब से तुम्हारी बहन गई है घर में बेसकूनी सी हो गई है, बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ जी, ऐसे ही होता है क्योंकि जब बंदा घर से जाए ना तो फिर बेसकूनी सी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन तक ना वो ठीक हो जाएगा, आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। हेलो मामा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, जब से तुम गई हो घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, घुटन घुटन सी महसूस होती है। नहीं मामा, कोई बात नहीं, मैं आपके पास ही हूँ ना। और हाँ, वो नहीं थी अहमद की बीवी, वो अहमद ने उसको पेपर भिजवा दिए हैं और उसको घर से निकाल दिया। अच्छे ही किया हमने उसको घर से निकलवा दिया, वो थी इस लायक, वो थी मनहूस, इस घर में रहने के लायक नहीं थी वो। ओ अच्छा, ये तो आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अच्छा हुई वो घर से दफ़ा हो गई, मुझे भी एक आँख नहीं भाती थी वो, मुझे तो वो पहले दिन से अच्छी नहीं लगती थी, मुझे एक आँख नहीं भाती थी, इसलिए मैंने उसको घर से निकलवाया है। चुड़ैल कहीं की, वो मुझे एक आँख नहीं भाती थी यहाँ पे। है वो वैसा ही भरता है।